यूनिवर्स पर। दोस्तों, आपने चाइना के जंग जियाजी ग्लास ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ दूंगा जिससे आप चाइना के ग्लास डोर ब्रिज जैसे मज़े भारत में भी ले पाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने लक्ष्मण झूले के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 1923 में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया था, जो 95 साल से श्रद्धालुओं की सेवा करता रहा है। लेकिन इसे पिछले साल 12 जुलाई को बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुराना होने के कारण ये कई जगह से टूट गया था। अब सरकार ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह नया पुल बनाने जा रही है, जो कि चाइना के जंग जियाजी ग्लास ब्रिज की तरह शीशे का बना होगा। दोस्तों, ये ब्रिज भारत का पहला ग्लास डोर ब्रिज होगा, जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ये ब्रिज 132 मीटर लंबा होगा और 8 मीटर से ज़्यादा चौड़ा होगा। इसका रोड 2.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ा होगा और इसका शीशा 3.5 मीटर मोटा होगा। इसके अलावा इसके पिलर्स 30 मीटर से ज़्यादा बड़े होंगे और ये पुल कम से कम 150 सालों से ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा इसके ऊपर से मोटर बाइक्स भी निकल सकेंगी और चुनिंदा आदमियों को कार ले जाने की भी इजाज़त होगी। ये ब्रिज PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट द्वारा बनाया जाएगा। अधिकारियों की कोशिश है कि ये पुल 2021 में होने वाले कुंभ मेले से पहले पहले बना लिया जाए, पर यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा अधिकारियों का मानना है कि इस पुल को बेहद सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पुल पर खिसकन आ जाती है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए इसको ऐसा बनाया जाए ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई मुसीबत ना आ जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले।